पार्सल लेन देन नहीं देंगे अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिजरत 112। जो जो दोस्त भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। ओके, हम लोग जा रहे हैं मेडिकल करवाने के लिए। एक दोस्त भाई नया आया हुआ है यहाँ पे, तो उसका जो है आज मेडिकल होने जा रहा है। तो वो भाई अंदर से मतलब अपना हेलमेट वगैरह लेके बाहर आ रहे हैं। तो चलते हैं डेरा की तरफ। अल ब्रा है तो वहाँ से उसका मेडिकल होगा, तो आज उसका मेडिकल करवाना है क्योंकि वो नहीं आए हैं यहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए। ये है जी मेडिकल सेंट्रल ब्रा वाला, जो के दोस्त अंदर चले गए हैं मेडिकल करवाने के लिए, तो मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। इसके अंदर जो के 20-25 मिनट लगेंगे मेडिकल करवाने में, क्योंकि मेडिकल का इतना टाइम नहीं होता, जो फिंगर होते हैं उनका बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो ये है डेरा में अल ब्रा में, तो यहाँ पे हम आए हुए हैं। अंदर दोनों नहीं जा सकते थे क्योंकि जिसका मेडिकल होता है वही अंदर जाता है। तो वो दोस्त भाई जो के अंदर चले गए हैं, ये जो है ये मेन एंट्रेंस है यहाँ से, तो वो जैसे ही बाहर आएंगे तो फिर मिलेंगे उनसे कि क्या हुआ, मेडिकल हो गया कि नहीं हुआ। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उसके जो थे वो पूरे थे, लेकिन फिर भी आज वैसे भी 10 मुहर्रम है तो शायद कुछ मसला वगैरह करें। तो उस भाई भी आए हुए हैं मेडिकल करवाने के लिए, तो हम चलते हैं आगे। कैफेटेरिया है इस तरफ, तो वहाँ पे चलते हैं चाय पीते हैं। इस तरफ जो है वो सामने कैफेटेरिया है, तो वहाँ पे चलते हैं क्योंकि दोस्त को अभी टाइम चाहिए, 20-25 मिनट उसे चाहिए, देर में हम चाय पी लेते हैं। तो अभी जो के ये जो बिल्डिंग है आपको नज़र आ रही है, ये है अल ब्रा वाली। तो मैं बाहर रुका हुआ हूँ क्योंकि अंदर मेडिकल के लिए वही जा सकते हैं जिसका मेडिकल होता है। तो दोस्त अंदर गए हुए हैं मेडिकल करवाने के लिए, तो मैं सामने आया यहाँ से कैफेटेरिया से चाय ली, बाहर वेट कर रहा हूँ। तो ये अल ब्रा का जो है मेडिकल सेंटर है यहाँ पे, जो जिसका नया वीज़ा होता है उसका मतलब मेडिकल होता है। वैसे तो बार दुबई में भी है लेकिन अल ब्रा में भी है, उसका जो है वो अल ब्रा का है। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन क्या है कि इस जो जिस भाई का जो मेडिकल हो रहा है, तो उससे तकरीबन एक हफ्ता नहीं हुआ मेरे ख्याल से, 4 से 5 दिन हुए हैं पाकिस्तान से आए हुए। तो आज उसका माशाल्लाह मेडिकल हो रहा है, तो बाद में जो है फिंगरों का टाइम मिलेगा। जो फिंगरों का टाइम है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मतलब कि 28 दिन भी मिल रहे हैं, 30 दिन भी मिल रहे हैं। तो जो मेडिकल है तो मेडिकल 4-5 दिनों में हो रहा है, लेकिन ये भी किसी मतलब के कई कंपनियां जो होती हैं बहुत अच्छी कंपनियां होती हैं, जो के बिल जो होता है वो टाइम पे पे कर देती हैं, डॉक्यूमेंट्स जल्दी रेडी करती हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं यहाँ पे, वो लोग क्या करते हैं 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते सिर्फ मेडिकल करवाने में लगा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह के इस भाई का जो है मेडिकल वो बहुत ही जल्दी हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज उसे 3 से 4 दिन हुए हैं और आज उसका मेडिकल कंप्लीट हो रहा है। तो उसके बाद जो फिंगरों का टाइम है वो आपको जाहिर सी बात है पता है कि 28-30 ऐसे दिन लग रहे हैं फिंगरों के। तो इंशाल्लाह बाकी का काम जो होगा वो भी जल्दी होगा। तो ये जो मैं कंपनियों की बात कर रहा हूँ, मतलब कि जो अच्छी हैं, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे, जिस कंपनी से भाई ने वीज़ा लिया है तो माशाल्लाह कंपनी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि उसका जो मेडिकल है वो आज कंप्लीट हो रहा है 4 दिनों में। तो उसके बाद जो फिंगर है, तो फिंगर में वो लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारा बंदा रेडी हो। तो आगे फिंगरों का जो टाइम होता है वो गवर्नमेंट का अपना होता है, उसमें ऊँच नीच नहीं हो सकती। तो जो मेडिकल है तो मेडिकल की ये कंपनी के ऊपर है, जितने जल्दी डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगी तो उसका उतना जल्दी मेडिकल होगा। तो ये पीछे भाई भी जा रहे हैं मेडिकल करवाने के लिए, तो क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं होती हैं कि वीज़ा तो वो लोग दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे जब बंदा पहुँच जाता है तो वो मेडिकल जो होता है उसके 2-3 हफ्ते सिर्फ मेडिकल करवाने में लगा देते हैं। तो अभी जो कि चलते हैं वापस, क्योंकि दोस्त का जो है मेडिकल हो गया होगा, क्योंकि 25-30 मिनट हो रहे हैं, आधा घंटा हो रहा है। तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है।
तो इस भाई ने जो के लाइसेंस लेना है वो गाड़ी का लेना है, क्यों बाइक का जो काम है वो बहुत ही नॉर्मल है, तो इस वजह से ये भाई जो है इसने कार का लाइसेंस लेना है। तो अभी निकलते हैं, देखते हैं कहाँ तक उसका काम पहुँचा है। मेरे ख्याल से उसका मेडिकल हो गया होगा, क्योंकि वो जब आया यहाँ पे तो उसने मतलब पहले तो उसका मिशन था कि मैं बाइक की फाइल ओपन करवाऊँगा, लेकिन यहाँ पे जो काम का प्रोसीजर अभी चल रहा है तो वो काम देख के वो बोल रहा है कि मैं अभी फाइल ओपन बाइक की नहीं करवाता, मैं गाड़ी की करवाऊँगा। क्योंकि गाड़ी का क्या होता है कि अक्सर कंपनियाँ जो होती हैं फिक्स सैलरी पर रख लेती हैं, जैसे अमेजोन हो गई, नून हो गई, कैरी फोर हो गई, इस तरह की जो कंपनियाँ होती हैं वो रख लेती हैं, फिक्स सैलरी होती है, गाड़ी वगैरह सब कुछ उनका होता है, फ्यूल भी उनका होता है, तो वो रख लेते हैं। तो ये भाई चाह रहा है कि मैं अभी गाड़ी का लाइसेंस बनवाता हूँ, क्योंकि बाइक का एक तो काम भी डेंजरस है, ऊपर से फिर काम भी नहीं है, तलबात का भी बहुत कम है, डिलीवरों का भी बहुत कम है। इस वजह से उस भाई ने सोचा है कि यार जो फाइल उस पे पैसे लगेंगे उससे 1-2 हज़ार मतलब ज़्यादा लग जाएंगे, तो कार की फाइल ओपन करवानी है 3 नंबर मैनुअल लाइसेंस की। तो अभी जो के भाई 3 नंबर मैनुअल लाइसेंस लेंगे। तो अगर कोई दोस्त भाई नए आ रहे हैं तो मेरे भाई बाइक के काम में बिल्कुल मत आए अभी, क्योंकि अभी जो काम के हालात चल रहे हैं, अभी जो के चलते हैं आगे इस तरफ, ये मेन एंट्रेंस है, स्कोटी के बन है, तो इसके अंदर जो है वो मेडिकल सेंटर है। ये भाई लोग मेडिकल करवा के जा रहे हैं वापस, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, निज़ाम चल रहा है, दुनिया गोल है बाबा, दुनिया गोल है। ये टैक्सी भी जा रही है, ये दुनिया गोल है, देखो गोदे वगैरह आए हुए हैं, ज़्यादा यहाँ पे सरेकी रहते हैं, ये डेरा है ना। तो अभी चलते हैं अंदर, ये लोग भी मेडिकल करवाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, ये तो जा रहे हैं, तो आगे चलते हैं क्योंकि वो जो लास्ट में है उसमें। तो ये भाई फाइनली जो के मेडिकल हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं, ये दोस्त है जिसका मेडिकल हुआ है। तो भाई इस तरफ जो होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फिंगरप्रिंट होते हैं, और इस तरफ हमारे जो है बाइक ठहरी हुई है इस तरफ। हाँ फिंगरप्रिंट अभी नहीं होंगे ना, फिंगरप्रिंट होंगे भाई तकरीबन 28 दिन। पार्सल लेन देन नहीं देंगे है, पार्सल लेन देन नहीं देंगे केड़े पास। तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।